नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जारी तैयारियों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। 17 जनवरी को होने वाला पोलियो टीकाकरण दिवस टल गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बड़ा फैसला है, प्रत्याशित गतिविधियों के कारण कार्यक्रम को अगले आदेश तक रद्द करने की बात कह दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। 17 जनवरी को होने वाला पोलियो टीकाकरण दिवस टल गया है। 16 जनवरी को देश में कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण था और 17 जनवरी को होने वाला पोलियो टीकाकरण दिवस अब टाल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बड़ा फैसला है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां पर 17 जनवरी को होने वाला था पोलियो टीकाकरण दिवस, उसको अब टाल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जारी तैयारियों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। 17 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण अभी इस कार्यक्रम को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर 17 जनवरी को होने वाला था पोलियो टीकाकरण दिवस, उसको अब टाल दिया गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बड़ा फैसला सामने आ गया है। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी तैयारियों के बीच यह बड़ा और अहम फैसला केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है, जहां पर 17 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसके बाद अब उसको अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। ये अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।